हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सभी का अपने चैनल अस्टिच छोम में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं हैंकर चिप ड्रेस का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ड्रेस से भी नेक कॉलर और फ्रंट पैनल पर ओपन पॉकेट अटैच किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 4.5 मीटर उलन फैब्रिक लिया है। ड्रेस का कटिंग मैं इस मेजरमेंट के अनुसार करूंगी। इसका कटिंग मैं दो पार्ट में बताऊंगी, पहले बॉडी का पार्ट, उसके बाद फ्लेयर का। बॉडी पार्ट का कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को दो लेयर में बैक पैनल के लिए सेट कर लेंगे और इसकी लंबाई वेस्ट लेंथ में 1.5 इंच ऐड करके रखेंगे। जैसे यहाँ बॉडी लेंथ 15 इंच है तो उसमें 1.5 इंच ऐड करके 16.5 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई के लिए चेस्ट राउंड का चौथा भाग लेकर उसमें 2.5 इंच ऐड करके मार्क करें। तो ये बैक पैनल का पार्ट हुआ। अब फ्रंट पैनल के लिए मार्किंग करेंगे। सो फ्रंट पैनल के लिए भी लंबाई और चौड़ाई में सेम मेजरमेंट लेंगे। बस इसके बंद साइड की ओर 0.25 इंच पर मार्क करके यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे बटन प्लेकेट के ओपनिंग के लिए। यह पार्ट मैंने बटन प्लेकेट के ओपनिंग के लिए स्टिचिंग मार्जिन के लिए लिया है। अब इस मार्किंग लाइन से मिलाते हुए इस पार्ट को बैक पैनल के ऊपर रखकर सेट कर लेंगे। मार्किंग लाइन और नीचे वाले पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। आप देख सकते हैं मार्जिन वाले पार्ट को बैक पैनल से अलग रखा है। अब यहाँ शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ लेकर यहाँ पर मार्क कर लेंगे और मेजरमेंट यहाँ इस लाइन पर से लेंगे। जैसे यहाँ 15 का हाफ 7.5 हुआ तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए शोल्डर का हाफ लें और उसमें 0.5 इंच ऐड करके मार्क करें क्योंकि बाद में फ्रंट आर्म होल 0.5 इंच कम करेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। आपका जो भी चेस्ट राउंड हो उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करके उसका चौथा भाग करके मार्क कर लें। अब इन पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। चेस्ट पॉइंट से 2 इंच नीचे की ओर बस्ट लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर बस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। आपका जो भी बस्ट राउंड हो उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करके उसका चौथा भाग करके मार्क कर लेंगे। और वेस्ट राउंड के लिए यहाँ भी 2 इंच लूजिंग करके उसका चौथा भाग करें और 1 इंच रखें डार्ट के लिए। इन पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन करें। यहाँ पर शोल्डर डाउन करने के लिए 0.75 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन का मिडिल पॉइंट पर मार्क करके मिडिल पॉइंट से अंदर की ओर 0.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। बैक आर्म होल का शेप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर देंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर देंगे। स्टिचिंग मार्जिन के लिए 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर भी लाइन बना लें। अब नेक का कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं भी नेक पर कॉलर अटैच करूंगी। सो कॉलर अटैच करने के लिए नेक का चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और बैक नेक डीपनेस के लिए 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर नेक का शेप देंगे और फ्रंट नेक डीपनेस के लिए 8.5 इंच पर मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन का मिडिल पॉइंट पर मार्क करके मिडिल पॉइंट से बाहर की ओर 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद ऊपर से कर्व लाइन बनाते हुए इस पॉइंट को मिलाकर भी नेक का शेप देंगे। नेक का कटिंग इस लाइन पर से करेंगे। यहाँ शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट्स को भी लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब इस लाइन से नीचे 0.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद राउंड में इसे वेस्ट लाइन से मिला लेंगे। अब इसका मार्किंग कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले इसे बैक पैनल के अनुसार कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका कटिंग कंप्लीट कर दिया है। अब इसे बैक पैनल को सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट पैनल को फिर से सेट करके इसके नेक, शोल्डर और आर्म होल का कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक, शोल्डर और आर्म होल का कटिंग कंप्लीट कर दिया है। अब बटन प्लेकेट वाले पार्ट को भी कट करके ओपन कर लेंगे। अब कॉलर का कटिंग करेंगे। सो कॉलर का कटिंग के लिए दोनों पैनल का नेक राउंड को आपस में मिलाकर सेट कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर स्टिचिंग के लिए दोनों पार्ट पर 0.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। नेक राउंड का मेजरमेंट लेते समय मेजरमेंट इस पॉइंट तक लेंगे। आप देख सकते हैं बैक पैनल का नेक राउंड का मेजरमेंट 4.25 इंच आया है और फ्रंट पैनल का नेक राउंड का मेजरमेंट 0.5 इंच आया है। तो बैक और फ्रंट पैनल का नेक राउंड को जब ऐड करेंगे तो 12 इंच होगा। अब कॉलर का कटिंग करेंगे। कॉलर का कटिंग के लिए यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर को डबल लेयर में सेट किया हुआ है। यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का ओपन साइड है और इस साइड क्लोज साइड है। अब यहाँ पर नेक राउंड का हाफ लेकर मार्क कर लेंगे। जैसे मेरा नेक राउंड 12 इंच आया था तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर मार्क कर लूंगी। इस मार्किंग पॉइंट से ऊपर की ओर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और ऊपर यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को लाइन बनाकर शेप पट्टी के द्वारा ज्वाइन करेंगे। अब चाहे तो फ्री हैंड कर्व लाइन बनाते हुए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्किंग के अनुसार कॉलर को कट कर लेंगे।
यह नीचे का पार्ट हुआ जिससे कि नेकराउंड को अटैच करेंगे। अब फ्लेयर का कटिंग करेंगे। सो फ्लेयर का कटिंग के लिए यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में सेट किया हुआ है। इसका फ्लेयर लेंथ 34 इंच रखा है और फ्लेयर का लेंथ निकालने का मेजरमेंट थ्योरी इस प्रकार है। इसका लेंथ के लिए टोटल लेंथ में अपर बॉडी लेंथ माइनस करेंगे और आंसर जो भी आता हो उसमें 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे और अपर बॉडी पार्ट का बॉटम राउंड का मेजरमेंट लेंगे, टोटल मेजरमेंट को 6 से डिवाइड करेंगे और आंसर जो भी आता हो वो फ्लेयर लेंथ में ऐड करेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में ड्रेस का टोटल लेंथ 40 इंच है तो उसमें बॉडी पार्ट 15 इंच माइनस किया तो 25 इंच हुआ और उसमें 2 इंच ऐड किया स्टिचिंग मार्जिन के लिए तो 27 इंच हुआ। अब अपर बॉडी का बॉटम राउंड का मेजरमेंट लिया तो 10.5 इंच हुआ, तो 10.5 इंच को जब हम चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंच हो जाएगा। अब बॉडी पार्ट का जो बॉटम राउंड हुआ 42 इंच हुआ तो उसे 6 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच होगा, तो फ्लेयर लेंथ में यह 7 इंच को ऐड करेंगे तो 27 इंच में 7 इंच ऐड करेंगे तो 34 इंच होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लेयर लेंथ 34 इंच रखा है। 34 इंच लंबाई दोनों साइड से लेंगे, इस साइड से भी मेजरमेंट में 34 इंच लेंथ में रखेंगे। इस साइड फैब्रिक कम पड़ रहा है इसलिए इस साइड पर अभी पेपर अटैच कर लेंगे, बाद में उसी पेपर के अनुसार फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ पेपर और फैब्रिक को 1/2 इंच ओवरलैप रखते हुए पिनअप कर लेंगे। अब इस साइड भी 34 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग के अनुसार लाइन बना लेंगे। पेपर को मार्किंग लाइन के अनुसार कट कर लेंगे। अब इस पेपर के अनुसार 4 लेयर फैब्रिक कट कर लेंगे और चारों फैब्रिक को यहाँ पर चारों लेयर से ज्वाइन कर लेंगे। और यह कपड़े का बंद भाग है, यहाँ पर वेस्ट राउंड का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी का टोटल राउंड में 6 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच आया था, तो यहाँ पर 7 इंच में 1/2 इंच कम करके कॉर्नर से नीचे की ओर मार्क करेंगे, मतलब यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और कॉर्नर से नीचे की ओर गोलाई में मार्क करते जाएंगे। उसके बाद कर्व लाइन बनाते हुए सभी मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और लाइन बनाने के बाद सबसे पहले इसका मेजरमेंट लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मेजरमेंट 10.5 इंच आया है। 10.5 इंच को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंच होगा, जो कि वेस्ट राउंड से एग्जैक्ट मेजरमेंट में आएगा। आप चाहें तो वेस्ट राउंड को इस तरह से रख कर मेजरमेंट ले लें। यहाँ पर 1 इंच छोड़ देंगे क्योंकि 1 इंच हमने वेस्ट राउंड पर डर्ट के लिए लिया है। आप देख सकते हैं दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इस साइड पर दोनों पार्ट को कट करके ओपन कर लेंगे। अब फ्लेयर का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब स्लीव का कटिंग करेंगे। तो स्लीव का कटिंग के लिए हम मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में सेट किया हुआ है और इसका लेंथ के लिए स्लीव का टोटल लेंथ में 2 इंच ऐड करके रखा है और इसकी चौड़ाई चेस्ट राउंड का 1/4 भाग लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट राउंड का 12वां भाग लेकर उसमें 1/2 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब इस लाइन से 1/2 इंच बाहर की ओर कर्व लाइन बनाते हुए बैक आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब इस मार्किंग पॉइंट से ऊपर की ओर इस तरह से शेप देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे और यहाँ पर बॉटम राउंड का 1/2 लेकर मार्क करेंगे और 1.5 इंच रखेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब स्टिचिंग और मार्जिन वाले पॉइंट्स को आपस में लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे अंदर का पार्ट दोनों राइट साइड फेस करता हुआ हो या तो रॉन्ग साइड फेस करता हुआ हो। उसके बाद फ्रंट आर्म होल के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले अपर बॉडी पार्ट पर डर्ट का स्टिचिंग करेंगे। सो डर्ट का मार्किंग के लिए यहाँ से मैंने इसे 4 इंच पर मार्क किया है और बैक पार्ट का डर्ट का लेंथ 4 इंच रखा है और फ्रंट पार्ट का डर्ट का लेंथ 3 इंच रखा है और यहाँ पर 1 इंच का डिस्टेंस लेकर सभी डर्ट को मार्क कर लिया है। उसके बाद डर्ट के दोनों एंड को इस तरह से पकड़े और डर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट कर लें। यहाँ मैंने डर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर ओवरलैपिंग बटन प्लेकेट बनाएंगे। बटन प्लेकेट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप लिया है। पहला स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और उसके एक साइड पर 0.25 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस स्ट्रिप को बॉडी के राइट साइड वाले पार्ट पर ओपनिंग वाले पार्ट से मिलाते हुए रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरा स्ट्रिप मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में लिया है जिसे सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इसके दोनों साइड पे 0.25 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस स्ट्रिप को लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर यहाँ सेंटर पर इस तरह से रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिप को यहाँ मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ राइट साइड वाले स्ट्रिप को ऊपर टर्न करके ऊपर से नीचे तक स्टिच कर लेंगे। बटन प्लेकेट बनने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। उसके बाद इसके ऊपर बैक पैनल को रखकर शोल्डर का स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे।
आप देख सकते हैं इसका ओवरलैपिंग बटन प्लेकेट का स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसे शोल्डर से भी ज्वाइन कर लिया है। अब इस पर कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल लेयर में सेट किया है। अब इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को रखकर प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके तीन साइड से यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और इसके चारों तरफ से 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे। तीन साइड से क्लोज करने के बाद अब स्टिचिंग वाले साइड पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएंगे। इसे कॉलर को जब फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग आएगी। अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर करके इसे आयरन के द्वारा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसे अब बॉडी से अटैच करेंगे। यहाँ प्रिंटिंग पेपर वाले मार्जिन फैब्रिक को आयरन करके सेट कर लिया है। तो इसके लिए नेक राउंड को सेंटर से फोल्ड करके मिडिल पॉइंट पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद कॉलर को भी सेंटर से फोल्ड करके कॉलर के ऊपर भी मिडिल पॉइंट पर मार्क कर लेंगे। अब बॉडी पार्ट को राइट साइड ऊपर की ओर रखेंगे और कॉलर का पेस्टिंग पेपर वाले पार्ट को ऊपर की ओर रखेंगे और नीचे वाले फैब्रिक का सेंटर पॉइंट और बॉडी का और नेक राउंड का सेंटर पॉइंट आपस में मिलाकर पिनअप कर लेंगे। उसके बाद मिडिल पॉइंट के दोनों साइड कॉलर को नेक राउंड से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं कॉलर का एक साइड नेक राउंड से अटैच कर दिया है। अब कॉलर के दूसरे साइड वाले मार्जिन वाले फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर लेंगे और इसे नेक राउंड से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से स्टिच करने से नेक राउंड के एंड के पास फिनिशिंग आती है। टर्न करके नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर से बूट को उठाकर कॉलर के नीचे की साइड पर आ जाएंगे और मार्जिन वाले फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ एंड पर आने के बाद फिर से ऊपर की ओर आकर कॉलर के चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कॉलर को स्टिच करने से कॉलर में फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हैं यह कॉलर फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। बाद में कॉलर का लुक इस तरह से आएगा। अब इस पर स्लीव अटैच करेंगे। सो स्लीव को लें और स्लीव को बॉटम राउंड पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लें। उसके बाद स्लीव को बॉडी के आर्म होल से मिलाते हुए रखकर 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेकर स्टिच कर लें। दोनों तरफ स्लीव अटैच करने के बाद अब यहाँ बटन प्लेकेट के नीचे पिनअप कर लें या तो स्टिच करके इसे क्लोज कर लें। अब इस पर फ्लेयर अटैच करेंगे। सबसे पहले फ्लेयर से यह साइड वाले फैब्रिक को स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर चारों लेयर से चारों फैब्रिक को राइट और रॉन्ग साइड का ध्यान में रखते हुए स्टिच करके ज्वाइन कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फैब्रिक को अटैच करके फ्लेयर को कम्प्लीट कर दिया है। अब इस पर बॉडी पार्ट अटैच करेंगे। यहाँ मैंने फ्लेयर के वेस्ट राउंड से ओपन पॉकेट अटैच किया है। वेस्ट राउंड पर ओपन पॉकेट कैसे अटैच करते हैं जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसे अपर बॉडी पार्ट से अटैच करेंगे। दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों का राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रखेंगे और सबसे पहले बॉडी का और फ्लेयर का मिडिल पॉइंट आपस में पिनअप कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड से पिनअप करते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, इसे ज्वाइन करते वक्त अगर फ्लेयर का पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में क्या करें, फ्लेयर के बेस्ट राउंड के ऊपर मशीन का 5 नंबर टाका से इसे स्टिच कर लें। उसके बाद धागे को थोड़ा खींचते हुए हल्का सा फ्लेयर के मिडिल पॉइंट पर गैदर बना लें। उसके बाद दोनों पार्ट को इक्वल करके दोनों को स्टिच करके ज्वाइन कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल से इसे ज्वाइन कर दिया है। अब सेम तरीके से बैक पैनल को स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। अब देख सकते हैं बॉडी के दोनों साइड से फ्लेयर को ज्वाइन कर दिया है। अब इसका साइड का स्टिचिंग करेंगे। सो साइड में हमने जितना भी स्टिचिंग मार्जिन लिया है उसे स्लीव के बॉटम राउंड से होते हुए नीचे फ्लेयर लेंथ तक स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ साइड का स्टिचिंग करते वक्त अंदर जो वेस्ट लाइन पे हमने पॉकेट अटैच किया है उसे भी साइड के मार्जिन से मिलाते हुए साइड से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो बेल्ट बनाए हैं जिसे वेस्ट राउंड से अटैच करना है। सो साइड का स्टिचिंग करते वक्त इसे वेस्ट राउंड पे रखकर अटैच कर लेंगे। साइड से इसका स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। इसके वेस्ट राउंड पर दोनों साइड बेल्ट अटैच किया है और पॉकेट को भी साइड के स्टिचिंग से ज्वाइन करके रखा है। अब इसके नीचे फ्लेयर के बॉटम राउंड को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सो फ्लेयर के बॉटम राउंड को डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे और इसे चारों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।